हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नया वीडियो लेके चला आया हूँ। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कैसे आप आईपीओ में अप्लाई करेंगे। तो मैं भी फर्स्ट टाइम आईपीओ में अप्लाई करूंगा, तो आप लोग फर्स्ट टाइम आईपीओ में करेंगे तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएंगे कैसे आप आईपीओ में अप्लाई करेंगे। तो मैं जिस तरीके से आप लोगों को दिखाऊंगा, इस तरीके से आप कोई भी आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। तो चलिए शुरू करता हूँ। तो पहले आप लोगों को अपस्टॉक का जो एप्लीकेशन है उसको आपको लॉगिन करके ओपन हो जाना है। आपका जो पासवर्ड, ईमेल आईडी जो होगा वो देके आपको जाना पड़ेगा। तो आपका जो इंटरफेस ऐसा होगा। ऐसा होने के बाद आपका जो ये देखिए, आपका यहाँ पर इनवेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इनवेस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आईपीओ लिखा हुआ है। तो व्यू आईपीओ जो यहाँ पर है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर देखिए कौन कौन आईपीओ यहाँ पर ओपन है। तो आपको यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर देख सकते हो कि कौन कौन आईपीओ यहाँ पर ओपन है, अप्लाई कर सकते हो आईपीओ के लिए। तो मैं जो आईपीओ का, इसके लिए मैं अप्लाई करूंगा। इसका डेट देखिए यहाँ पर डेट दिया है, किस टाइम से किस टाइम तक आप अप्लाई कर सकते हो। और भी कुछ जानना चाहते हो तो यहाँ पर व्यू मोड है, इसके ऊपर क्लिक करके और भी सब कुछ डेट जान सकते हो। तो ये देने के बाद यहाँ पर देखिए अप्लाई लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर आपके पास कुछ भी सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। तो देखिए आपका पास टाइम है, 5 बजे तक टाइम है अप्लाई करने का, आज लास्ट डेट है इसका। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका जो बैंक के साथ जो आपका डीमैट अकाउंट लिंक है, उस बैंक का आप यूपीआई आईडी यहाँ पर दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर उस बैंक का ईमेल आईडी, यूपीआई आईडी दे दूंगा। उसके बाद यहाँ पर जो टाइप लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए इंडिविजुअल जो है वही सिलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको यूनिट सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है कितना यूनिट। तो मैं 1 लॉट लूँगा, 1 लॉट। 1 लॉट में 12 यूनिट पड़ेगा, तो 1 लॉट ही आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको प्राइस दे सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए 1085 रुपीस से 1125 रुपीस इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट नहीं करूँगा, यहाँ पर कट लिखा हुआ है, कट के ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा। तो जो होगा इस बजट के अंदर वही आपको शो करेगा। उसके बाद मैं यहाँ पर मेरा जो यूपीआई आईडी मैं यहाँ पर दे दूँगा। देने के बाद यूपीआई आईडी देने के बाद मैं नीचे आ जाऊँगा। यहाँ पर देखिए ऐड लिखा हुआ है, मैं ऐड के ऊपर क्लिक कर दूँगा। 1 लॉट के लिए ही मैं अप्लाई करूँगा, तो मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। 1 लिखने से आपको यहाँ पर कितना यूनिट मिलेगा यहाँ पर देखा देगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर दूंगा। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका और भी एक डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएगा। तो आप यहाँ पर डिटेल्स देख लीजिए, यहाँ पर यूपीआई आईडी, इसका अमाउंट आप लोग का कितना कटेगा। उसके बाद यहाँ पर सब कुछ आप देखने के बाद कंफर्म ऐड अप्लाई में क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका यूपीआई में एक पेमेंट का नोटिफिकेशन जाएगा। उसके बाद कुछ टाइम वेट करने के बाद आपका मोबाइल में एक मैसेज आएगा आपको अपस्टॉक से, और आपका भीम यूपीआई जो दिया, आप जो यूपीआई जो ऐप्स का यूपीआई देंगे उसका नोटिफिकेशन आएगा, भीम का, फ़ोनपे का, गूगल पे का, जो भी आपका यूपीआई देंगे। उसके बाद आप यूपीआई में पासवर्ड दे के लॉगिन हो जाएंगे। हो जाने के बाद ही आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा, ऐसे आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद अप्रूव के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फुल डिटेल्स आपको दिखा देगा कौन, और आपको यहाँ पर आपका जो अकाउंट नंबर डीमैट अकाउंट में वही देना पड़ेगा। उसके बाद आप चेक करने के बाद यहाँ पर फिर से आपको अप्रूव में क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पिन कोड देने के बाद राइट कर देंगे। देने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे तो देखिए आपका जो मनी है वो काट लेगा, आप देख सकते हो। और इसके बाद आप होम पेज जाएंगे, जाने के बाद फिर से एक SMS आ जाएगा आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तब फिर से आप इस ब्राउज़र में आप ओपन हो जाएंगे।
होने के बाद यहाँ पर देखिए आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद आप ऐप स्टोर में जाके यहाँ पर इन्वेस्ट में जाके यहाँ पर आईपीओ भी में फिर से क्लिक करके वहाँ पर ऊपर में देखिए माय आईपीओ लिखा हुआ है, उसमें आप जब भी क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए आपका आईपीओ आपको अप्रूव हो गया। तो ऐसे ही आप अप्लाई कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से।